सो हाय गाइस, आज बात करेंगे Xiaomi by Poco स्मार्टफोन के बारे में, जिसने अपना पहला स्मार्टफोन Poco F1 लॉन्च किया था 22 अगस्त 2018 में, आज से करीब 1.5-2 साल पहले। और ये स्मार्टफोन इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया गया और आज भी ये स्मार्टफोन इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इस फोन में आपको कम प्राइस में काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। इसीलिए ये स्मार्टफोन आज भी लोग बाय कर रहे हैं। और Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मन्नू कुमार जैन ने ये कन्फर्म कर दिया है कि Poco वापस आ रहा है और Poco की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द इंडिया में। और Xiaomi के मिस्टर मन्नू कुमार ने यह भी बताया कि Poco एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बनने जा रहा है और इसकी एक सेपरेट टीम भी होगी। और गाइस, कुछ ऐसे लीक्स और रूमर्स भी आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि Poco की तरफ से कुछ नए सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं इंडिया में, जो कि है Poco G1 स्मार्टफोन, Poco X2 स्मार्टफोन और Poco F2 और Poco F2 लाइट स्मार्टफोन। और गाइस, Poco F2 लाइट स्मार्टफोन की इमेज भी सामने आ चुकी है, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। और गाइस, ये भी बताया जा रहा है कि इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 765 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है और ये चिपसेट 5G चिपसेट है और काफी पावरफुल भी है। और गाइस, Poco F1 स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं आपको Poco F2 लाइट स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और इसमें मिलेगा आपको IPS LCD डिस्प्ले, Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन और ये एक बजट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। और Poco F2 लाइट स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी मिलेगा। और गाइस, Poco F2 लाइट स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं है, जैसे ही मेरे पास लीक्स और रूमर्स आ जाते हैं मैं आपको जरूर बता दूंगा। और गाइस, इस बार तो कंफर्म हो चुका है कि 2020 में Poco की तरफ से काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, बस हमको थोड़ा सा इंतजार और करना है और इंडिया में Poco के नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर करके सबको बता दो कि Poco का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि इस फोन का वेट आप करने वाले हैं या नहीं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।